लोगों की उम्र घट रही है, लोग मर रहे हैं, सरकारें नाकाम, लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया, यह जीवन के अधिकार का खुला उल्लंघन। किसी भी सभ्य समाज में ऐसा नहीं हो। सोमवार को दिल्ली और एनसीआर में जानलेवा प्रदूषण के हाल ही में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह सख्त टिप्पणी की गई। इसी के साथ कोर्ट ने पराली और कूड़ा जलाने पर तत्काल रोक के आदेश दे दिए और चेतावनी के लहजे में कहा कि ऐसी किसी भी एक भी घटना को अदालत के आदेश का उल्लंघन माना जाएगा, इसके लिए सचिव से लेकर प्रधान तक जिम्मेदार होंगे। कोर्ट ने प्रदूषण रोकने के लिए युद्ध स्तर पर उपाय लागू करने का आदेश देते हुए पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों को तलब किया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली एनसीआर में निर्माण करने तथा गिराने के सारे कामों पर रोक, तीन पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने पर पूरी तरह पाबंदी, केंद्र तथा राज्य सरकार 3 हफ्ते में योजना तैयार करे ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति ना बने, समूचे रीजन में निर्माण करने या गिराने वालों पर 1,00,000 रुपए पेनल्टी लगाया जाए। कुल मिलाकर कोर्ट के इस आदेश के बाद अब दिल्ली के प्रदूषण घटने की संभावना व्यक्त की जा रही है। इधर ग्वालियर में भी प्रदूषण का आंकड़ा 4 to 9 एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI पार कर गया। यह आंकड़ा अभी तक का सबसे ज्यादा रहा। कुल मिलाकर ग्वालियर के अंदर भी स्मॉग बन गया, इसकी मोटी मोटी परत आसमान में जमा हो गई, लेकिन सुबह होते ही हवा के प्रवाह से चट गई। सोमवार सुबह आसमान में धुंध छाई हुई थी, पर लोगों ने 36 घंटे बाद सूर्य की पहली किरण देखी तो राहत की सांस ली। स्मॉग घटने से तापमान बढ़ गया और इससे गर्मी भी बढ़ी। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो टिप्पणी की गई है उसके बाद यह उम्मीद की जा रही है कि अब पराली जलाने पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी और दिल्ली, जो कि प्रदूषण के कारण बहुत अधिक खराब हो रही है, उसमें राहत मिलेगी। जस्टिस मिश्रा और जस्टिस गुप्ता ने जो टिप्पणी की है वह बहुत मायने रखती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली एनसीआर में लोगों का दम घुट रहा है, उन्हें मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। राज्य सरकारें और स्थानीय निकाय प्रदूषण रोकने में नाकाम रहे हैं, यह जीने के मूलभूत अधिकार का गंभीर उल्लंघन है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।